So hello everyone, welcome to our new vlog. I am Vartika and you are watching my YouTube channel. So आज के vlog की शुरुआत होती है हमारे नवरात्रि special खाने के साथ. तो चलिए शुरू करते हैं. ये नाश्ता व्रत में नवरात्रि के व्रतों में खाया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग कोदो मिलेट्स के बारे में नहीं जानते होंगे, तो मैं उनको बता दूं कि ये एक तरह से चावल की ही प्रजाति जैसा होता है. ये जो मेरे सामने रखा हुआ है इसे ही बोला जाता है कोदो मिलेट, जिसको बनाने से पहले 2 घंटे पहले इसको सोक किया जाता है, उसके बाद इसे बनाया जाता है. चलिए इसे बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं. हमें लेना होगा यहाँ पे कटे हुए टमाटर, करी पत्ता, हरी मिर्च, हरी धनिया और गाजर. अब हमने चढ़ा दिया है गैस पे कुकर को और इसमें हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच घी के. मैंने इसे अपने हिसाब से 3 चम्मच डाला है. आप जैसा खाते हो आप वैसा डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा. तो मैं 2 चम्मच घी डाल चुकी हूँ और ये 3रा चम्मच भी डाल रही. अब हम इसमें डालने वाले हैं 2 से 3 लौंग और इलायची को, जो इसके फ्लेवर को बढ़ा देते हैं. तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें, बट इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है. तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा खड़ा जीरा और इसे अच्छे से चलाएंगे चम्मच की सहायता से. इसमें डालेंगे हम लोग करी पत्ता, हरी मिर्च और गाजर, टमाटर. चलाने के बाद इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक ढक देंगे. जब हमारे टमाटर अच्छे से गलने लगे तब इसमें हम मिलाएंगे कोदो मिलेट्स और पानी को. हमने लगभग यहाँ पर 1.5 ग्लास पानी लिया हुआ है. आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं. अब हम डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच काली मिर्च और नमक अपने स्वाद अनुसार, जो व्रत में खाया जाता है. अब जब हमारे कोदो मिलेट्स में उबाल आने लगे तब उसमें हम लोग ढक्कन लगा देंगे और 2 सीटी आने तक का इंतजार करेंगे. तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी आज की रेसिपी, जिसे हमने सर्व किया है आलू की रसीली सब्जी और दही के साथ. और कोदो मिलेट्स को हम लोगों ने गार्निश किया है हरी धनिया और पीनट्स के साथ, जिसे हमने पहले से फ्राई करके रख लिया था. तो बाकियों के कुछ काम निपटाने के बाद अब धीरे धीरे होने लगी थी शाम. शाम के 4 बज रहे थे और हम तैयार होने वाले थे मंदिर जाने के लिए. सो मिलते हैं अभी आपसे रेडी होकर फिर से. तो मैं और मेरी मम्मी तैयार हो चुके थे मंदिर जाने के लिए और मैंने उठा ली थी अपनी स्कूटी. तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर और ये हमारे घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसको विंध्याचल मंदिर के नाम से जाना जाता है. अब अंदर चल के हम आपको करवाते हैं पूरे मंदिर का दर्शन. ये मंदिर काफ़ी बड़ा बना हुआ है और बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण रहता है यहाँ पे. ये आप देख सकते हैं यहाँ प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं और ये सामने पे आप जहाँ देख रहे हैं यहाँ मेन मूर्ति है माता जी की, जिसे विंध्याचल नाम से जाना जाता है, जिसके नाम पर ये मंदिर है. और ये यहाँ पे स्थित हैं देवी के 9 स्वरूप, 9 मूर्तियां हैं, माता जी के 9 रूप हैं. आगे की तरफ ये है शिव जी का मंदिर और यहाँ पर काफ़ी बड़ी शिवलिंग स्थापित है. तो आगे चलकर और स्थान पर आपको लेके चलते हैं. तो हम लोग निकल चुके थे घर के लिए वापस और मौसम हो चुका था बहुत अच्छा और मेरी मम्मी करने लगी थी कुछ सब्जियों की शॉपिंग, तो मैं उनका वहाँ पर वेट कर रही थी. तो दोस्तों यही करते हैं आज के इस ब्लॉग का एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक ले बाय बाय.